नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। टावर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि अर्पिता सोनू कुशवाहा गांव नई खेड़ी बच्चे का इलाज जनवरी 2023 में उज्जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर आलोक सोनी द्वारा किया गया था। अर्पिता के माता पिता और उनके गाँव वाले और सरपंच साहब का आरोप है कि डॉक्टर सोनी द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई है। अर्पिता के पाँव में तकलीफ होने पर दोबारा से डॉक्टर रौनक शिंदे से इलाज करवाया गया। डॉक्टर रौनक शिंदे ने अस्पताल में बच्चे का पैर का ऑपरेशन किया। अर्पिता के पैर में घाव बढ़ता गया। फिर से परिवार वालों ने तेजनकर हॉस्पिटल में डॉक्टर सिद्धार्थ राठौर के द्वारा ऑपरेशन करवाया गया। अर्पिता के माता पिता और गाँव वालों ने डॉक्टर आलोक सोनी को इलाज में लापरवाही बरतने पर SDM लक्ष्मी नारायण गर्ग साहब को ज्ञापन दिया। SDM साहब ने 7 दिन में निष्पक्ष जाँच और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। MP बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महाशक्ति भद्रकाली धाम पीठाधीश्वर योगी विजयानंद महाराज राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू जोड़ा यात्रा अभियान धर्माचार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण हिंदू महासंघ भारत प्रयागराज श्री योगी विजयानंद महाराज ने अर्पिता बच्चे को गोद लिया है और उस बच्चे के इलाज का खर्चा और उसकी शिक्षा एवं बड़ी होने पर उसकी शादी तक का जो भी खर्चा आता है वो योगी विजयानंद महाराज स्वयं अपने खर्चे से करेंगे। अर्पिता पिता सोनू कुशवाहा के सहयोग में गांव के सरपंच साहब अशोक जाट इस आंदोलन में साथ दिया। आज इस विषय पे एक बालिका है जिसके पैर के विषय में डॉक्टर साहब जो है उनके विषय में आज हम लोगों ने यहाँ आंदोलन रखा गया था। उस आंदोलन की पुष्टिकरण के लिए शांति प्रस्ताव के लिए यहाँ के जो आला अधिकारी उन्होंने 7 दिन का आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी। और मैं योगी विजयानंद माँ भद्रकाली मंदिर पीठाधीश्वर और जौनपुर उत्तर प्रदेश योगी अखाड़ा मठ से धर्माचार्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही चाहता हूँ कि जांच हो और निष्पक्ष हो, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और मेरे घर क्षेत्र के मोहन जी यादव साहब से भी मेरी अपील रहेगी, पुनः अपील रहेगी कि आप इनको इन गरीबों की निष्पक्ष जाँच करवाएं। आपको पुण्य लगेगा और महाकाल की नगरी में हो आप, और मेरे मित्र भी है वो, यही मेरा विषय है कि गरीबों को न्याय मिले। क्योंकि आप महाकाल की नगरी में हो तो मैं जिस सब आपका ही देखना रहना होता है। इन्होंने 7 दिन का बोला है, 7 दिन में अगर कार्य नहीं होगा तो आगे उग्र आंदोलन की हमने घोषणा यहाँ की है कि फिर बड़ा आंदोलन होगा यहाँ। इलाज में क्या त्रुटि हुई? तो इस कारण त्रुटि यह होती कि डॉक्टर साहब जो है उन्होंने कुछ चीज़ देखा नहीं आगे विषय में। उन लोगों ने उसके ऊपर ही एक जैसा बेल्ट ऐसी पट्टी लगा दी थी, पट्टा मेन चढ़ा दिया था जो ब्लास्ट हुआ, उस तक इन्फेक्शन हो गया। 15 दिन तक पट्टे की जाँच भी नहीं देखी कि ये पट्टा लगना चाहिए कि नहीं, बताओ पड़ गया था और पैर सड़ गया पूरा उसका। अभी बच्ची चल नहीं पाएगी अब जीवन में भी। अभी डॉक्टर साहब का क्या कहना, क्या कह रहे वो? डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर स्वयं के ऊपर नहीं ओढ़ रहे हैं, वो बोले ये तो ऐसा है ऐसा है वैसा है। पर मैंने उस बच्ची को आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, और बच्ची को मैंने गोद भी ली है। उस बच्ची को मैं गोद ली हूँ, जहाँ तक वो पढ़ेगी उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। और आज उसके पढ़ने के लिए मैंने स्वयं के खर्चे से 11,000 रुपए की राशि दी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी।